ये जो मेरे पीछे बैल है जिसका ट्रीटमेंट साहिल कर रहा है, इसका नाम हनुमान जी है। तो ये हमारे यहाँ परसों तियारा से आया है। उससे एक दिन पहले किसी ने इसके बारे में कॉल किया। हुआ ये, इस समय खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है और ये किसी के खेत में घुस गया, उसको गुस्सा चढ़ा, उसने इसके पैर पे दरात मार दिया। मारा ऐसे कि इसका पूरा जो मांस है वो बुरी तरह फट गया। तो जब हम इसे लेने गए, ये हमें मिला नहीं। अगले दिन फिर इसके बारे में ये दिखा उनको, तो उन्होंने इसके बारे में हमें फिर कॉल किया। फिर दौलत राम और बॉबी इसे लेने गए, तो इसने उन्हें इतना भगाया, ये खड़ में घुस गया, ये सड़क पे भागा। मतलब हनुमान जी ने भी लंका वासियों को क्या भगाया होगा, इसलिए हमने इसका नाम हनुमान जी रखा है। वैसे इसकी कद काठी भी बड़ी अच्छी है। तो अब इस समय मैंने देखा है कि फेसबुक पे पहेलियां बड़ी प्रचलित हैं, तो मेरे पास भी आपके लिए एक पहेली है कि अगर जो ये बेसहारा गाय बैल हैं, जब ये किसी के खेत में घुसेंगे तो वो तो इन्हें मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि अगर फसल ये खा जाएंगे तो वो लोग क्या खाएंगे। और ये जो बेसहारा गाय बैल हैं, ये खेत में घुसेंगे ही घुसेंगे, इन्हें तो भूख लगेगी। अब ये जो है सड़क पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डेयरी वाले जो हैं उनके लिए तो इनको रखने में मुनाफा है नहीं, तो वो इन्हें छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और वो पैदा भी जरूर करेंगे, क्यों? क्योंकि गाय तो दूध देगी नहीं ना बिना बछड़ा पैदा किए। और जो ग्राहक है वो भी दूध लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको तो दूध का, घी का, खीर का, पिज्जा का स्वाद चढ़ा हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि गाय की, बैल की ये हालत ना हो, तो इनमें से कौन सी चीज बदलनी होगी।